आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आज आपको मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं व्यवसाय परिचय एवं सुरक्षा सावधानियां, मतलब क्या चीज, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय के अवसर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिशियन क्यों जरूरी है। कहते नहीं कि इलेक्ट्रिशियन करना क्यों मस्ट है और क्यों इसको चूज करें, स्टेट को क्यों चूज करें, किस लिए ये जरूरी है, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी सभी बच्चों को कि इलेक्ट्रिशियन आप जो इस टाइम पे जो चल रहा है तो उस हिसाब से जो मशीनों का उपयोग बढ़ गया है। देखते हैं आजकल के समय में सबसे ज्यादा वर्क मशीनों से लिया जा रहा है, मशीनी युग कहलाता है कि मशीनी युग आ गया है, ठीक है। इसीलिए इसे कलयुग या कलपुर्जों का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कलयुग या कलपुर्जों का युग भी कहते हैं। प्रत्येक मशीन को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति सब जो भी जिस तरह की मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और शक्ति विद्युत शक्ति के रूप में ही आसानी से दूरस्थ स्थान तक स्थानांतरित की जा सकती है। जो भी है आपका जो स्थानांतरित की जाती है वो किसके द्वारा स्थानांतरित की जाती है, इलेक्ट्रिक के द्वारा, मतलब कि आपका मशीनी तौर पर की जा सकती है। शक्ति विद्युत शक्ति के रूप में ही आसानी से दूरस्थ तक स्थानांतरित की जा सकती है। उसके अलावा जैसे कि विद्युत शक्ति को का जो ये उपयोग है, यूजेज है, इतना बढ़ चुका है आज के टाइम पे कि इसको चूज करना मस्ट हो गया है, और विद्युत प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है, और इसीलिए आपको मस्त भी है कि इलेक्ट्रिशियन के बारे में जानें और उसके बारे में पढ़ें, और इसको सबसे ज्यादा महत्ता भी दी गई है, ठीक है। इसलिए इसके लिए मैं आपको संक्षेप में जैसे कि कुछ चीजें पॉइंट्स बता दे रही हूँ कि इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। जैसे कि निम्न प्रकार से कि आपका इलेक्ट्रिशियन संबंधित जो अवसर आपके होते हैं वो किस पर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन संबंधित कर्मी। इलेक्ट्रिशियन संबंधित कर्मी क्या चीज है, जो कर्मी होता है आपका इस श्रेणी में कर्मी के रूप में, जैसे कि फैक्ट्रीज में हो गया, जैसे फैक्ट्रीज में है, बिजली घरों में हो गया, और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, आवासीय मकानों में, विद्युत यंत्रों जैसे उपकरणों और फिटिंग्स, माप यंत्रों, रिले, मतलब कि काफी चीजों में इसका यूज हो गया है। फिटिंग स्थापना मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य करते हैं, किसके लिए कि सभी जगह ज्यादातर यूज आपका ये इलेक्ट्रिशियन का हर जगह आपका पड़ता है, जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा कर्मियों की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद आता है आपका जैसे सामान्य इलेक्ट्रिशियन क्या है, सामान्य तौर पे इलेक्ट्रिशियन क्या होगा। विभिन्न प्रतिष्ठानों में विद्युत परिपथों में की स्थापना के लिए, जैसे कि उसका संचालन करने के लिए, लेखा चित्रों विनिर्देशों का अध्ययन करने के लिए, विद्युत मोटरों का, किस किस तरह की चीजों का इलेक्ट्रिशियन में जरूरत होती है, जैसे कि विद्युत मोटरों में, ट्रांसफार्मरों में, स्विच गियर तथा अन्य वैद्युतिक जो होते हैं, यंत्र होते हैं उनमें, और जैसे कि इस कई स्थितियों में फिटिंग्स में जरूरत होती है, फिटिंग्स के अनुसार जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जो तार वायर्स डाले जाते हैं, केबल्स डालना, और साधारण तौर पर केबल्स को जोड़ना, किस तरह से विद्युत मोटरों और पंपों को का प्रचालन, देखभाल और अनुरक्षण का कार्य भी इलेक्ट्रिशियन के उससे हो, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन के ही पक्ष होता है, ठीक है। और कैसे आपका ये सामान्य इलेक्ट्रिशियन इसीलिए आपको जरूरी है, ये सब चीजों
का नॉलेज भी आम इंसान रखने लगा है। उसके अलावा जब आप इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आप आईटीआई करते हो तो सबसे ज़्यादा मस्ट होता है इन चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना और किस क्या उद्देश्य है इसका, क्या क्या वर्क है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानकारी रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, आइए अब चलते हैं आपका इससे रोजगार पाने के अवसर क्या होते हैं, रोजगार कैसे मिलते हैं। रोजगार पाने के जितने भी अवसर होते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में सबसे बेस आपका इलेक्ट्रीशियन होता है। क्यों? आजकल के टाइम पे मशीनी युग होने के कारण आपका इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज्यादा स्कोप है। स्कोप होने के कारण इसमें रोजगार पाने के अवसर भी बहुत होते हैं। जैसे स्थानीय विद्युत बोर्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, रेलवे हो गया, टेलीफोन विभाग हो गया, और जैसे कि एयरपोर्ट राजकीय एवं अर्ध राजकीय संस्थानों में, राजकीय संस्थानों में गवर्नमेंट में भी और आपका प्राइवेट सेक्टर में भी आपका संस्थानों में इसका काफी महत्व हो गया है। और जो रोजगार जो मतलब कि आपको जो भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं तो वो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे वो आपका प्राइवेट में हो, इसके अवसर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, और जैसे कि फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रीशियन के रूप में जरूरी है, हर फैक्ट्रीज में होगा इलेक्ट्रीशियन, ऐसा है हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रीशियन ना हो। बिल्डिंग्स बनी है तो उसमें भी आपको जरूरी है इलेक्ट्रीशियन के लिए। सिनेमा घरों, मॉल, सभा भवनों में, वैद्युत उपसंस्कारों में मतलब कि तो परीक्षण अनुरक्षण सारी चीजें देखी जा सकती हैं कि आपको ये सब चीजें मिलेंगी। इलेक्ट्रीशियन तो आमतौर पे सब जगह सभी बिल्डिंग्स या कहीं भी हो कि मरम्मत मतलब कि कहीं भी किसी भी ऐसे बिल्डिंग्स में नहीं होगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिक की जरूरत ना पड़े और इलेक्ट्रिक के लिए आपका ये इलेक्ट्रीशियन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो होटल, रिसॉर्ट और विद्युत दुकानों और विद्युत साधनों को मरम्मत करने के लिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करना हुआ, वाइंडिंग की दुकानों में मोटर्स का, इन सब चीजों के लिए जरूरी है। होटल, रिसॉर्ट और जैसे हॉस्पिटल हो गया, फ्लैट्स हो गया, विद्युत से जहाँ जहाँ पे विद्युत का यूज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जहाँ पे यूज होती है वहाँ वहाँ आपको रोजगार पाने के अवसर बढ़ जाते हैं। तो रोजगार इस तरह से पाने के अवसर होंगे। ठीक है, अब आते हैं स्वरोजगार के अवसर। स्वरोजगार के अवसर आपको स्वरोजगार के अवसर कैसे प्रदान होंगे, कैसे मिल सकता है, खुद का बिजनेस कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हैं, तो इसमें स्वरोजगार के लिए काफी अच्छी उपलब्धि होती है। कैसे कि जैसे गांव शहरों में जो इलेक्ट्रिक स्विच गियर्स हैं, मोटर की मरम्मत व सेवा केंद्र बने होते हैं जिसमें आपको स्वरोजगार खुद का भी शुरू कर सकते हैं। होटलों, रिसोर्टों और निजी हॉस्पिटल्स, बैंक हो गए और वायरिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए ठेकेदारी का यूज हो जाता है। आजकल ठेकेदारी में ही काफी चीजें हो गई हैं तो जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ चुके हैं। विद्युत पैनल्स के निर्माण करने की ठेकेदारी, हर चीज की ठेकेदारी के हाँ खुद तो हम कर रहे हैं और उसके अलावा बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं, खुद का स्वरोजगार हो करके बना करके दूसरों को भी रोजगार दिया जा रहा है। तो उससे ये हो गया है कि स्वरोजगार के अवसर बढ़ चुके हैं इस फील्ड में, आईटीआई की इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में जो है विद्युत के जो आपके स्वरोजगार के अवसर हैं वो बढ़ चुके हैं। विद्युत पंखों और मोटरों की वाइंडिंग करना, मोटरों की वाइंडिंग का ठेका लेना, उसके बाद में उसी तरह स्वरोजगार के लिए घरेलू साधनों की सेवा अनुरक्षण व साधारण इलेक्ट्रिक गैजेट की मरम्मत करना और भी चीजें जैसे कि, ठीक है, इसी तरह से आपका चलता है। और जैसे बहुत सी चीजों के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए सुरक्षा मतलब कि कैसे होना चाहिए, नियम होने चाहिए, सुरक्षा क्यों होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए अब ये नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए
आवश्यक सुरक्षा नियम। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए आवश्यक सुरक्षा नियम भी जरूरी है, जैसे कि आपको रोजगार के अवसर भी प्रदान हो रहे हैं, स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान हो रहे हैं, उसी अनुसार आपको इससे सुरक्षा करना भी, सुरक्षा के नियम जानना भी जरूरी है। एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को यह ध्यान, यह बात याद रखना चाहिए कि विद्युत एक अच्छा सेवक है परंतु अच्छा स्वामी नहीं। क्या चीज? यह एक अच्छा सेवक है परंतु यह स्वामी नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्घटना से बचने के लिए सदैव सभी कार्यों को नियम पूर्वक करने की आदत बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नियम पूर्वक करेंगे तभी आपका इसमें कोई दुर्घटना नहीं होगी, जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। यदि आप उसको अच्छा सेवक मान रहे हैं तो अच्छे सेवक से अच्छा वर्क किया जाता है उसी अनुसार। यदि आप उसको, क्योंकि आपसे ये डेवलप है इलेक्ट्रीशियन, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आपसे डेवलप है, वो आपसे नहीं, तो इसलिए इसको स्वामी नहीं बनाना चाहिए, इसको हमें सदैव सेवक के रूप में समझना चाहिए। जिससे कि ये मतलब कि इस विषय पर कई चीज़ों की टिप्पणियाँ भी हुई हैं, सदैव इसका पालन करना चाहिए, इनके नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं, सुरक्षा के नियम कई तरह से हैं, कई चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे सुरक्षा रखेंगे तभी ये हमारे लिए लाभप्रद होगा, लाभदायक होगा, प्रॉफिट होगा। केवल योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही विद्युत कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसको समझ होगी उस चीज़ के बारे में तभी वो उस पर वर्क कर सकेगा। ठीक है, नंगे चालकों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो नंगे वायर्स होते हैं जिसमें इंसुलेशन नहीं होता है उनको टच नहीं करना चाहिए। कभी भी स्विच ऑन स्थिति में सोल्डरिंग आयरन को बेंच या मेज में नहीं रखना चाहिए। और जैसे कि आपको वर्कशॉप में फर्श को साफ रखना चाहिए। और जो टूल्स होते हैं टूल्स को हमेशा एक सीक्वेंस में रखना चाहिए, कि जैसे उत्तम अवस्था में रखें, इधर उधर नहीं रखें। परिपथ में केवल उचित क्षमता के फ्यूज यूज करना चाहिए। जो परिपथ होता है उसमें उचित क्षमता के ही फ्यूज यूज करने चाहिए। लैंपों को टूटने तथा गर्म लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आग आने से बचाने के लिए विस्तार तारों का यूज किया करना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप उसके टुकड़े लगाएं, मतलब कि कुछ भी करने के लिए ज्वाइंट्स कम हो वो ज़्यादा बेटर है। तो न्यू आपका वायर होना चाहिए, अलग अलग कटिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, हर जगह टेप का यूज ना हो। ठीक है, 3 पिन व 5 पिन सॉकेट्स प्लग्स उत्तम दशा में होने पर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। ISI मानक वाले उपसाधनों का भी यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्टैंडर्ड जो होते हैं, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के बने होते हैं, और इसमें ये अच्छाई होती है कि इसमें कोई लापरवाही से काम वर्क नहीं होता है, अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं वायर्स, तो इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मानक के अनुसार ही ये चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे दिक्कत ना हो। ऊंचे स्थानों अथवा खम्भों पर कार्य करते समय सदैव सुरक्षा पेटी का यूज़ करना चाहिए। कैसे? सुरक्षा पेटी का यूज़ करना चाहिए, ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, रबड़ के जूते पहनना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम्स ना हो, दिक्कत ना हो। केबल्स तथा डोरियाँ जो होती हैं पोर्सलिन की नालियों में से निकाल कर ही लकड़ी विभाजकों में से निकालें, लेकिन पोर्सलिन के जो होते हैं, जो पोर्सलिन के नालियों में निकाल करके बनाए जाते हैं, जो डोरियाँ होती हैं वो डाली जाती हैं, केबल्स तथा डोरियाँ लकड़ी के विभाजकों से निकालें। उसी हिसाब से कि जैसे आपको किसी लोहे की चीज़ों में नहीं होना चाहिए, नहीं किसी लकड़ी एक अलग होते, मतलब कि लकड़ी से आपका जो होता है तो वायर टच होने में भी, मतलब सूखी लकड़ी होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। घूमने वाली मशीनों को चल भाग पर कभी अपने हाथों
को ना रखें, जो चालक के रूप में होती हैं उन मशीनों को कभी भी अपने हाथ उस पर नहीं रखने चाहिए। ढीली बाहों की कमीज तथा झूलती हुई टाई पहन कर मोटर के पास में नहीं जाना चाहिए। जनित्र के चल भाग व गियरों को कभी कार्य ना करें, मतलब उसमें कभी कार्य ना करें ढीले कपड़े पहन करके। जिन परिपथों के स्विचों को ऑफ किया हुआ हो उनके फ्यूज कैरियर को अलग कर दें, उनके जो फ्यूज गियर हों और कैरियर हों उनको अलग कर देना चाहिए तथा सुरक्षित जगह पर उचित संरक्षण में रख दें और स्विच का पट्टिका लगा दें। स्विच पर पट्टिका लगा दें कि जिस पर लिखा हो कि लाइन पर मनुष्य का कार्य करना वर्जित है, कार्य कर रहे हैं उस पर कोई अन्य कार्य ना कर सके, दिक्कत किसी को ना हो, ठीक है। और जैसे कि सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए, सीढ़ी का उपयोग करके ही लाइन्स को ठीक करना चाहिए, जैसे कि जैसे लकड़ी की होनी चाहिए सीढ़ी, खिसकने में रोकने के लिए सहायक की ज़रूरत होनी चाहिए, उसमें सहायक लोग होने चाहिए पास में, ठीक है। विद्युत से जो जुड़े होते हैं ऊर्जावान परिपथ होते हैं उन पर कार्य ना करें। यदि आवश्यक हो तो रबर के दस्ताने व चटाई का यूज़ करें, ठीक है। परिपथ में केवल उचित क्षमता के ही फ्यूज़ लगाने चाहिए, गलत क्षमता के यूज़ नहीं करना चाहिए। विद्युत उपकरणों के संबंध में कनेक्शन जो होते हैं वो कसे होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए। ढीले जुड़े केबल्स जो होते हैं तब तो होकर अग्नि संकट, मतलब कि आपका जैसे कि ढीले हुए तो उसमें जो स्पार्किंग होने लगती है जिससे, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अपने जो जैसे कि आपका कनेक्शन ढीला हुआ तो उसमें ऐसा होता है कि पता चलता है कि स्पार्किंग होने लगी तो उसमें दिक्कत होती है। स्पार्किंग से ही जैसे कोई केबल्स है और वो सारी चीज़ें दिक्कत करती, वायरिंग भी आपकी ख़राब होने का डर रहता। यंत्रों व स्विच गियर के आंतरिक भागों को व्यर्थ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उच्च वोल्टता लाइनों व उपसर्गों के लिए संधारित्रों की स्थैतिक वोल्टता जो होती है वो निरावेशित होनी चाहिए, निरावेशित कर दें कि पानी की जो लाइन्स हैं लाइनों को भी अर्थिंग ना करें, जो पानी की लाइन्स होती हैं उसमें भी अर्थिंग ना जा सके, इस तरह से कनेक्शन करना चाहिए। वैद्युत संस्कारों का जो होना चाहिए वो जल का यूज़ ना करें।